हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ डिड ईश्वरन बिगेन हिज स्टोरी ऑफ एन एस्केप ऑफ टस्कर फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कैसे ईश्वरन ने वो स्टोरी शुरू की जिसमें टस्कर ने टिम्बर यार्ड को एस्केप किया। हेयर द की कॉन्सेप्ट इज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट ऑफ टस्कर एक्सप्लेन्ड बाय ईश्वरन। मतलब टस्कर की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो कि ईश्वरन ने एक्सप्लेन की। ईश्वरन हैड द हैबिट ऑफ सेटिंग अप हिज स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक मैनर विद इलेबोरेट प्रोलॉग्स। ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ अ टस्कर्स एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड इन अ सिमिलर मैनर। तो ईश्वरन जब भी स्टोरी टेलिंग करता था तो उसकी एक आदत थी कि वो उस स्टोरी में बहुत सारा ड्रामा डाल देता था और इंट्रोडक्शन को बहुत इलेबोरेट करता था। प्रोलोग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। और उसने इसी तरीके से टस्कर ने कैसे टिम्बर यार्ड से एस्केप किया उसकी कहानी बताई। ही डिस्क्राइब्ड हाउ द टस्कर रोम्ड अबाउट, स्टैम्प्ड ऑन बुशेस, टोर अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रोक ब्रांचेस एज इफ ही हैड गॉन मैड। ईश्वरन ने बताया कि टस्कर इधर उधर घूम रहा था और वो आकर स्टैम्प कर रहा था बुशेस पर, मतलब अपने पैर बहुत तेज तेज से जमीन पर रख रहा था, और उसने सारे जो क्रीपर्स होते हैं उन सबको तोड़ दिया था और जो भी पेड़ों की ब्रांचेस थी सब थी उन सबको उसने तोड़ दिया था जैसे कि वो पागल हो गया हो। सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ईश्वरन की एक हैबिट थी कि वो जब भी स्टोरी बताता था तो उसमें बहुत सारा ड्रामा डाल देता था और जो प्रोलॉग्स होते थे, जो इंट्रोडक्शन होते थे, उनको बहुत इलेबोरेट करता था। उसने ऐसी ही एक स्टोरी नरेट की महेंद्र को टस्कर के एस्केप के बारे में टिम्बर यार्ड से, और उसने ये डिस्क्राइब किया कि कैसे टस्कर आया, कैसे उसने बुशेस पर स्टैम्प किया, कैसे उसने क्रीपर्स को टोर किया और कैसे उसने सारी ब्रांचेस को तोड़ दिया और उसने सारी चीजें तहस नहस कर दी जैसे कि वो पागल हो गया हो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।